नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सिंधुदुर्ग में पत्रकारों से बात करते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि 1999 में जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है, ये लोग जाति पात की राजनीति कर लोगों को विभाजित कर रहे हैं। एवढीशी कोणतरी गोष्ट बोलतोय आणि काहीतरी होतंय आणि त्याच्यामधनं हे सगळं जातीच्या राजकारणासाठी वापरलं जाणाऱ्या सगळ्या गोष्टी आहेत, कळलं का? इतकी वर्ष जेव्हा ह्याच्या अगोदरची माणसं जन्माला आली त्याला काही इतिहास कळत नव्हता का? तरी काय वाचलं नव्हतं काय की ह्यानाच आता कळायला लागला, ह्यानाच अभिमान जागृत झाला? सांगितलं हे सगळं म्हणजे हे एनसीपी पासून सुरू झालं। तुम्हाला पत्रकार अजून माहितीच नसतं ना, बरं का? तुम्ही काय ह्या पुस्तकात घ्यायचं आणि इथे उतरवायचं, याच्या पलीकडे काय असतं? एनसीपीच्या जन्मापासून ह्या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्रात सुरू झाल्या। जे शरद पवार साहेब स्वतःहून कधीही शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचे नाही, तर आढळून बघा त्यांची भाषणं व्यासपीठावरती। शाहू फुले आंबेडकर शिवाजी महाराजांचं का, मी त्यांच्या पत्र त्यांची मुलाखत घेतली तेव्हा पण विचारलं होतं आणि त्याच्यात त्यांनी असं उत्तर दिलं होतं की शाहू फुले आंबेडकर हा एक विचार आहे। मग शिवाजी महाराजांचा काय विचार नव्हता? त्या विचारावरती आधारित पुढचे विचार आहेत ना। मूळ विचार हा शिवरायांचा ना। आणि प्रश्न असा आहे ना की हे कसं आहे, मग शिवरायांचं नाव घेतलं की मग मुस्लिम मतं जातात, मग कुठच्या टोळ्या उभ्या करायच्या फंडिंग द्यायला करून, आणि मग त्यांच्याकडनं शिवाजी महाराजांचं राजकारण करून घ्यायचं, म्हणजे हे मग इतर समाज आणि मराठा समाज याच्यामध्ये जशी जशी फूट पाडता येईल तेवढा फक्त प्रयत्न करायचा, आणि मग हेही खिशात घालायचं हेही खिशात घालायचं, हे सगळं तेव्हापासून सगळं सुरू झालं। काढून बघा मी चुकीचं सांगत असेल तर। अमरावती के पूर्व कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र जगताप ने स्वतंत्र वीर सावरकर को देश का कलंक कहा। इस आरोप पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए भाजपाइयों ने नांदगांव में वीरेंद्र का पुतला दहन किया है। सावरकर जन्नी देशाच्या स्वतंत्रासाठी इंग्रजांनी त्यांना काळ्यापणाची सजा दिली होती, अंदोंगा निपुणच्या जेलमध्ये टाकून ज्या पद्धतीनं इंग्रजांनी त्यांचा छळ केला आणि देशाच्या आजादीसाठी ज्यांनी मोठं योगदान आहे सावरकरांचं, अशा वीर सावरकरांवर अपशब्द वापरणारे काँग्रेसचे काही वायफळ नेते त्या काँग्रेससोबत उद्धवजी ठाकरे मांडीला मांडी लावून बसतात। अशा उद्धव ठाकरेजींना माझा सवाल आहे की काँग्रेसच्या वतीने राहुल गांधींनी म्हणा की काही काही राजकीय काँग्रेसचे नेते जे वक्तव्य करत आहे सावरकरांच्या विषयी खालच्या स्तरावरचे, त्यावर उद्धव ठाकरे समर्थन करतात त्याला की काँग्रेसच्या वतीने उद्धव ठाकरे माफी मागणार या महाराष्ट्राची देशाची? विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी 6 दिसंबर को पार्टी की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक होगी। अरे उदाहरण देताना शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन तुम्ही उदाहरण देता हेच मुळात चुकीचं आहे। आमचं म्हणणं तेच आहे, शिवाजी महाराजांना आग्र्यामध्ये ज्या ठिकाणी ठेवलेलं होतं ती आणि ह्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही। त्यांना कोणी बंदिस्त ठेवलेलंच नव्हतं, ते तर सभागृहामध्ये शिवसेनेचे गटनेते होते। कारण उद्धव ठाकरे साहेब जरी मुख्यमंत्री असले तरी देखील ते विधिमंडळाचे नेते होते, आम्ही सगळ्यांनी त्यांना विधिमंडळाचा नेता केलेलं होतं। परंतु जो गटनेता असतो तो गटनेता हे स्वतः एकनाथराव शिंदे हे आपल्या विधानसभेमध्ये होते नंबर एक। आणि दुसरं तुम्हालाही सगळ्यांना माहिती आहे की ज्यावेळेस उद्धव ठाकरे साहेब म्हणजे MLC झाले नव्हते, त्याच्या आधी तुम्हाला आठवत असेल 2014 साली शिवसेनेने ह्यांनाच विरोधी पक्ष नेते केलेलं होतं। त्याच्यानंतर काही राजकीय स्थित्यंतर घडल्यानंतर शिवसेनेचे प्रमुख म्हणून स्वतः एकनाथराव शिंदेच त्याच्यामध्ये सहभागी झाले होते आणि बाकीचे इतर पण दिवाकर रावते रामदास कदम।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा विवाद के मामले में सेशंस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सेशंस कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ वारंट जारी किया है। दोनों के खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। मामले में दोनों को नोटिस जारी कर 11 नवंबर को कोर्ट ने हाजिर होने को कहा था, लेकिन दोनों हाजिर नहीं हुए। कल भी सुनवाई के समय दोनों हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद से अदालत ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। नागपुर स्थित आरएसएस के स्मृति भवन से सटे सुरेश भट्ट सभागृह और जिस मैदान में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दशहरा कार्यक्रम और भाषण होता है, उस रेशम बाग मैदान को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक पत्र पुलिस को मिला है, जिसमें लिखा गया है कि सुरेश भट्ट सभागृह और रेशम बाग मैदान को बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसा एक पत्र जो है एक विदाउट नेम निनावी पत्र मिला था, जिसमें भट्ट सभागृह और मैदान में जो है खेलने वालों के ऊपर हमला किया जाएगा, बॉम्ब किया जाएगा, ऐसा बहुत लूजली लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी गोपनीय जानकारी और गोपनीय माहिती बाकी उपलब्ध सीसीटीवी फुटेजेस और इंटेलिजेंस हमारे लोगों ने जो पुलिस स्टेशन के सभी टीम्स ने काम करके उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है कि इसने ऐसा पत्र क्यों लिखा है। उसका कोई बैकग्राउंड अभी कुछ क्रिमिनल नहीं है, वो एक शासकीय कर्मचारी है और वहाँ भट्ट सभागृह में उनके डिपार्टमेंट का कोई कार्यक्रम होने वाला था, एमएससीबी का, उसमें कोई विघ्न आए या वो कार्यक्रम ना हो ऐसी उसकी इच्छा थी। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर एक कंप्यूटर सिस्टम क्रैश होने के कारण लंबी कतारें लग गई, क्योंकि चेक इन अब मैनुअल मोड में किया जा रहा है, जो कि संभावित रूप से फ्लाइट टेक ऑफ स्केड्यूल को परेशान कर रहा है। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 टर्मिनलों में से एक T2 ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित है, लेकिन घरेलू उड़ानों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। धुलिया में एक हत्या के आरोपी ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत मिलने पर लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली, तो पुलिस ने उसे उसके समर्थकों के साथ फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 70 वर एकूण 27 गुन्हे आमच्या अभिलेखात घेण्यात आहेत, काही आपल्या जिल्ह्यात आहेत, काही बाहेरचे देखील आहेत, आणि ह्यातले मॅक्झिमम आरोप गुन्हे आहेत ते 302, 306, 354 जबरी चोरी किंवा चोरीचे गुन्हे आहेत। अशा पद्धतीने तो शरीरावरचे गुन्हे आणि मालवरचे गुन्हे ह्या दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यात तो आपल्याला अभिलेखावर आढळून येत आहे। मुंबई के विक्टोरी इलाके में तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार बता दें कि विक्रोली पूर्वी मुंबई के विक्रोली रेलवे स्टेशन के पास मच्छी मार्केट के पास सोनवनी चौल सभाराज डेयरी में एक सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिट के अपने कब्जे में तलवार जैसे घातक हथियार के साथ युवक जन्मदिन का केक काटते हुए पाया गया, जिसके बाद से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर से खबर है। दरअसल बता दें कि नागपुर के सुपारी व्यापारियों पर ईडी ने छापा मारा है। दरअसल कल से ही नागपुर में सुपारी किंग प्रकाश गोयल, आसिफ कलीवाला, दिग्विजय ट्रांसपोर्टर के हिमांशु भद्रा के यहां ईडी ने छापा मारा। ये सभी व्यापारी विदेशों से सुपारी मंगाते हैं। छापेमारी की खबर फैलते ही सुपारी व्यापारियों में भय का माहौल देखने को मिला है। नागपुर जेल में पैसे लेकर गांजे की आपूर्ति करने वाले रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि कुछ जेल कर्मियों की मदद से कैदियों तक गांजे की आपूर्ति की जा रही है।
इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और जेल कर्मचारी अजिंक्य राठौड़ और प्रशांत राठौड़ समेत 5 कैदियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल जेल नागपुर में से कोई आरोपी जेल के अंदर से फ़ोन करके अपने साथियों को मैसेज पहुंचा रहे थे कि उन्हें कुछ सामान चाहिए या पैसा चाहिए और कुछ नशे की वस्तु चाहिए, इस तरह से उनके मैसेजेस उनके मित्रों को प्राप्त हुए थे और जिससे वो मित्र अपने पैसा जमा करके जेल में उन्होंने पहुंचाया था। तो उसमें जब गोपनीय माहिती की चौकसी करके ये पता चला कि ये जेल में जो सिम यूज़ किया गया है वो जिस व्यक्ति के नाम से किया गया था उस व्यक्ति ने उन्हें दिया नहीं था, उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके सिम प्रोक्योर किया गया, ऐसी इनिशियल जानकारी मिल प्राप्त हुई है इन्वेस्टिगेशन में। तो उसी के तहत गुनाह दाखिल करके उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। प्राप्त जो इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी मिली है उसमें जेल के कुछ सिपाही भी जो है वो उन आरोपियों को मदद कर रहे थे और व्हाट्सएप मैसेजेस उनके मोबाइल से भी भेजकर वो फोटोग्राफ भेजकर वो सामान मंगवा रहे थे और उनके थ्रू जेल में पहुंचा रहे थे। ऐसी जलगांव में एक अजीबोगरीब दुर्घटना सामने आई। दरअसल झूला झूलते समय झूले की रस्सी गले में फंसने से एक 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पण तिची अडचण एक होती की ती ॲथलेट्स होती आणि आता बरेच दिवस झाले घरी होती, ती अभ्यास करायची, 2-3 वाजेपर्यंत रात्री अभ्यास करायची आणि ती नंतर दुपारी कधी कधी झोपून जायची, माझी सर्व काळजी घ्यायची। मी डायबिटीस पेशंट असल्यामुळे मला फॉर्च्युनेट दुर्घटना आहे। ते जोका खेळताना ते जे रस्सी जे आहेत ते स्प्रिंग होऊन गळ्यात ते गळफाससारखा ते ॲक्सिडेंटली लागलं होतं आणि त्यामुळे नो कोणी नसताना ते एकटंच होते घरी तेव्हा, आणि त्यामुळे अशा घडलं होतं। आणि पॅरेंट्स जेव्हा परत आलं, आई परत आल्यानंतर ते दरवाजा वगैरे ते तोडून बघितलं तर अशा तोपर्यंत ते निधन झालं होतं। हे अत्यंत दुर्घटना आहेत। अशा करताना युवक युवती जे काय जरा जरा व्यवस्थित काळजी घ्यावे आणि कुठलाही चीज असा लाईटली ना घेता। ते कांदिवली पुलिस ने 2 रिक्षा चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 6 चोरी किए गए रिक्शे भी बरामद कर लिए हैं। कांदिवली पुलिस को हिंदुस्तान नाका के पास से रिक्शा चोरी की शिकायत मिली जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 रिक्शे पुलिस ने गिरफ्तार हिरासत में ले लिए हैं। 2 रिक्शा चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जालना पुलिस ने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश के तहत वीडियो वायरल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जालना शहर में सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो प्रसारित कर समाज में वैमनस्य निर्माण करने की एक व्यक्ति ने कोशिश की। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। आज आता थोड़े वेळा पूर्वी एका मुलाने विशिष्ट समाजाच्या भावना दुखावतील अशा प्रकारची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल केली होती। त्याची तात्काळ दखल घेऊन त्या मुलाला ताब्यात घेतलेला आहे। गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। त्याच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे। कुठेही समाजात काही विशेष घडलेलं नाही, अफवांवर कोणी विश्वास ठेवू नये, शांतता राखावी। आणि अशा प्रकारच्या पोस्ट जर कोणाकडे येत असेल तर कोणी त्या प्रसार माध्यमांवर कुठेही एकमेकाला शेअर करू नये, जेणेकरून इतरांच्या भावना दुखावतील। आणि कुठलीही पोस्ट शेअर करताना ती कुणा कल्याण के उंबाडे गांव में स्थित एक गोडाउन की जाली में 8 फुट का सांप फंस गया। गोडाउन मालिक भोईर ने सांप को मारने की बजाय सर्प मित्र दत्ता बॉम्बे को बुलाकर सांप को जाली से मुक्त कराया और बाद में उसे सुरक्षित पास के जंगल में छुड़वा दिया।
महाभारत सीरियल के दुर्योधन अभिनेता पुनीत ईसर ने अपने साथ हुए साइबर अपराध का मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है। शिकायत में पुनीत ईसर ने बताया कि उनका कंपनी का ईमेल आईडी हैक करके आरोपी अभिषेक सुनील नारायण ने उनके साथ 14 लाख की चीटिंग की है। अब हमने जब नया पासवर्ड डाल के लॉग इन करने की कोशिश की तो वहां पे ओटीपी जो आता है भैया वो ये फोन ये तो कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है। हमने पता कि ये कौन हमारे ईमेल आईडी को कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो जो नंबर आया वो पता चला कि वो अभिषेक नारायण का नंबर है। जब हम वहां पे थे पुलिस स्टेशन में, हम कंप्लेन लॉन्च कर रहे थे, एनसीपीए से फोन आता है कि निवृत्ति आपने हमको मेल डाला, तो जी हाँ मैं पुनीत जी की बेटी बोल रही हूँ, बोलते बट आपके तो ईमेल आईडी से हमको मैसेज आया कि आप अपना हमारा ये 14-15 का शो होने ही नहीं वाला, वो तो कैंसिल कर दो और पैसे हमको रिफंड कर दो। हम शॉक हो गए कि भाई ये तो हमने कहा ही नहीं है, और वो तो हम तो अभी 11:30-12 बजे तो एक घंटे में पैसे रिफंड करने वाले हैं। तो पुलिस वाले ने फोन लिया, आप किसके नाम बोलते, जो पैसे रिफंड करने की बात है वो अभिषेक नारायण के पर्सनल अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। पैसे गए साक्षात से एंटरटेनमेंट से, और उसने मेल डाला कि भाई मैं शोमैन थिएटर प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ, हमारा शो कैंसिल हो गया है और आप जो 14 लाख रुपए हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यूएई में डंकी की शूटिंग खत्म करने के बाद शाहरुख खान उमराह के लिए मक्का पहुंच गए। कुछ दिन पहले शाहरुख खान ने मक्का जाने की ख्वाहिश जताई थी, वो पल भी आ गया जब शाहरुख वहां उमराह के लिए पहुंच गए हैं। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाहरुख खान उमराह करने मक्का पहुंचे हैं, पर अब ये कंफर्म हो गया है। दरअसल आपको बताते चले कि किंग खान ने मक्का पहुंचकर उमराह किया। सुपरस्टार के उमराह के वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो सफेद कपड़े में दिखाई दे रहे हैं। साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। देश भर में इस फिल्म ने कई आलोचनाओं का सामना किया, तो कुछ लोगों को ये फिल्म बेहद पसंद भी आई है, पर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को आलोचनाओं का दंश झेलना पड़ रहा है। इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट है, आप भी देखिए। कश्मीर के पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर अपने विषय और दर्शाए गए चित्रों को लेकर विवाद में आ गई है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफी जैसे बड़े मंच पर आलोचना झेलनी पड़ी। इफी की जूरी हेड नादव लिपिच ने एक समारोह के समापन पर द कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। कहा यह भी गया कि ये फिल्म परेशान कर देने वाली है। Evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. 15वीं फिल्म कश्मीर फाइल्स को देख हम सभी विचलित और हैरान थे। ये एक प्रोपेगेंडा और भद्दी फिल्म जैसी लगी, जो कि इस तरह के प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के कलात्मक कंपटीशन के अयोग्य थी। इस मंच से खुलकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए मैं पूरी तरह खुद को सहज पा रहा हूं, क्योंकि इस फेस्टिवल की आत्मा गंभीर बहस को निश्चित रूप से स्वीकार कर सकती है, जो कि कला और जिंदगी के लिए जरूरी है। इफी के जूरी हेड के इस बयान पर एक्टर अनुपम खेर और फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कड़ा विरोध जताया है। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन नक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग इवेंट को अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा।
दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। और फिर शुरू हुआ ट्विटर पर संग्राम। फिल्म के समर्थक और फिल्म से जुड़े तमाम सितारे एक बयान पर आपत्ति जताने लगे। दरअसल गोवा में आयोजित किए गए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का सोमवार को अंतिम दिन था। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान जूरी हेड और इजरायली फिल्म मेकर नादव लिपिच ने द कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए फिल्म की कड़ी आलोचना कर दी। गौरतलब है कि नादव ने जब ये बात कही तो उस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता समारोह में मौजूद थे। नादव लिपिट का द कश्मीर फाइल्स को दिया गया ये बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जूरी हेड के इस बयान की कई लोगों ने निंदा की है। फिल्मेकर अशोक पंडित ने भी लिपिट के इस बयान पर आपत्ति जताई और ट्वीट करते हुए कहा, द कश्मीर फाइल्स को लेकर नादव लिपिट द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर मैं कड़ी आपत्ति जताता हूँ। 3 लाख कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को दिखाना अश्लील नहीं कहा जा सकता। मैं एक फिल्मेकर हूँ और कश्मीरी पंडित होने के नाते इस भद्दे बयान की निंदा करता हूँ। लिपिट के इस बयान को लेकर मचे विवाद पर द कश्मीर फाइल्स के एक्टर अनुपम खेर ने भी प्रतिक्रिया रखी और ट्विटर पर फिल्म के कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा होता है। मैं यही कहूंगा कि ये हमारे गणपति जी सिद्धि विनायक भगवान उनको अकल दे और सद्बुद्धि दे ताकि वो इस तरह लोगों के हजारों लाखों लोगों की जो ट्रेजेडी है उसको मंच पर से इस्तेमाल करके अपना एक ध्येय पूरा ना करें। अनुपम खेर के बाद द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी इफ्फी के जूरी हेड नादव लिपिच के बयान पर रिएक्ट करते हुए तंज कसा, सच सबसे खतरनाक चीज है, ये लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। इजरायली फिल्म मेकर नादव लिपिच के द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताने वाले बयान पर इजरायल ने अपनी गलती मान ली है। इसे लेकर इजरायल के राजदूत नाउर गिलोन ने भारत से माफी मांगी। उन्होंने लिपिच के बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उन्हें लिपिच के बयान पर शर्म आती है। इस विवाद की आग इतनी ज्यादा भड़की कि इजरायली राजदूत ने कश्मीर फाइल्स की आलोचना के बाद लिपिच को एक खुला पत्र लिख दिया और सरेआम उनकी लताड़ लगा दी। उन्होंने लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए, भारत और इजरायल के मौजूदा रिश्ते का मान याद दिलाया। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे भारत और इजरायल के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है, नादव लिपिच के बयान से कोई नुकसान नहीं होगा, हमें इस बयान पर शर्माती है और हम अपने मेजबानों से इसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। इसराइल में आप जो नापसंद करते हैं उसकी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे देशों पर बयान देने की जरूरत नहीं। तो मैं इसके बाद अपने बयान को लेकर हो रहे विवाद के बीच अब इजरायली फिल्म मेकर ने भी माफी मांग ली है। नादव ने कहा कि मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता था, मेरा उद्देश्य कभी भी पीड़ित लोगों या उनके रिश्तेदारों का अपमान करना नहीं था, मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पूरी जूरी की ओर से बात की थी। नादव ने ये भी कहा कि उनका कमेंट सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनके साथी जूरिस्ट के विचारों का भी रिप्रेजेंटेटिव था। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें आर्या न्यूज।